Hey guys, and welcome to my YouTube channel Inspiring Minds. So starting with the next deformities, kyphosis. In last video we have done four of them. We've done knock knees, round shoulders, lordosis and flat foot. So starting with the fifth one, kyphosis. Kyphosis, it is a deformity of spinal curvature, right? Deformity of spinal curvature in which there is an increase of acceleration of backward curve. Ye dekho, ye round shoulders jaisa hai, ye hamara round shoulders ho jata hai aise, aur aage se hum jo ye pet hai na, ye nikal lete hain. Dekha hoga patle logon mein hota hai, bahut zyada patle log hote hain unme main notice kiya hai, mote nahi hai fir bhi pet nikal lenge aage, theek hai. तो इट ऑल्सो कॉल्ड राउंड अपर बैक. आई टोल्ड यू राउंड हो जाते हैं ऊपर से. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अधिकनास क्यू इन वन मार्क्स. विच डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड अपर बैक. यू हैव टू टेल काइफोस, यू हैव टू राइट इट. कॉजेज माल न्यूट्रिशन इलनेस. इस वजह से हो सकता है आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है. कैरिंग हैवी लोड्स ऑन योर शोल्डर. शोल्डर पे हैवी लोड्स भार उठा के चल रहे हैं, ज़्यादा दयालु बन रहे हैं, चले जा रहे हैं हैवी सामान उठा के और ऊपर से बेंट हो रहे हैं, तो ये हो सकता है. हैबिट ऑफ बेंडिंग वेल वॉकिंग. आई टोल्ड यू सब में ही प्रॉब्लम है, नीचे झुक के मत चलो, सीधे चलो. वेयरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लोथ्स. शेपलेस क्लोथ्स पहन लेते हैं, टाइट पहन लेते हैं. टाइट क्यों पहनते हो भाई, पूरे सही पहनो. टाइट क्यों पहन रहे हो, फिट पहनो या तो, या लूज पहनो. तो जैसे हो जाता है अगर हम ऐसे पहने. वॉट इज द प्रिकॉशन. प्रिकॉशंस आर टेक अ बैलेंस डाइट इन एवरी. अच्छा फिट रहना है तो बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी. कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट्स. सीधे रहना है. अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद हैवी वेट ऑन वन हैंड. विद वेट ऑन वन हैंड तो जैसे कि आई टोल्ड यू बैग. स्कूल में बच्चों का ही नोटिस, सो मेनी टाइम्स बैग कंधों पे उठा के और एक कंधे पे चल रहे होते हैं. भाई दो कंधे दिए भगवान ने, दोनों पे टांग लो. दो स्ट्रिप्स हैं उसके, दो स्ट्रैप हैं. डोंट वॉक और सिट और स्टैंड इन बेंट पोजिशन. बेंट पोजिशन में नहीं रहना. करेक्टिव मेजर बेंड हेड बैकवर्ड एंड इन स्टैंडिंग पोजिशन. खड़े खड़े सिर पीछे करो, एक्सरसाइज है ये. परफॉर्म चक्रासना एंड भुजंग आसना. ये दोनों आसन है, यू हैव टू परफॉर्म दिस. होल्ड आर्म्स एट अ शोल्डर लेवल एंड बेंडिंग एल्बोज. आर्म्स हैं जो उनको शोल्डर लेवल पे रखो और होल्ड आर्म्स एट शोल्डर लेवल एंड बेंडिंग एल्बोज. एल्बोज को बेंड करके रखो, राइट. सो दीज ऑल्सो आर टू मेजर that you can do to correct your posture. Next is bow legs. Sixth one is bow legs. It is a deformity just at the reverse of knock knee position. Knock knees में जुड़े होते हैं, इसमें अलग हो जाते हैं, ठीक है. रिवर्स पोजिशन होती है ये knock knees की. तो in fact there is a gap between the knees. ये देखो सी gap है कि हमारे साथ जुड़े होते हैं ना, इनके साथ नहीं. ये देखो सी there is a gap between them. तो ये गैप नहीं होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, ये दोनों चार जुड़े होने चाहिए. द डिफॉर्मिटी कैन बी ऑब्जर्व इजिली वन इंडिविजुअल वॉक्स और रन. ईजिली हम पहचान पाते हैं जिसको बो लेग होती है, वो ऐसे ही चलता है. ही वॉक लाइक दिस. टॉक आई मीन टॉक लाइक वन ही इज टॉकिंग टू समथिंग वी कैन नोटिस, और ही इज रनिंग लाइक दिस तो वी कैन नोटिस दैट. कॉजेस पुट एक्स्ट्रा वेट ऑन लेग मसल. लेग मसल पे एक्स्ट्रा वेट डाला होगा तो ही ये हुआ है, नहीं तो नहीं होता. लैक ऑफ बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज ऑल्सो इन द, यू हैव ऑल्सो राइट दिस इन द फर्स्ट वन, राइट. फर्स्ट दैट यू हैव स्टडीड. सो राइट, सो विच वन यू हैव स्टडीड द फर्स्ट. नॉक नीज सेम. इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग. सही से नहीं चल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपको. फोर्सिंग बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज. ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने उसमें पढ़ा था नॉक नीज में. बच्चों को अर्ली एज पे हम लोग चला रहे हैं, कह रहे हैं वो दो साल का हो गया, तीन साल का हो गया, चल नहीं रहा, चलाओ चलो इसको पकड़ पकड़ के. क्यों भाई चलेगा वो, उसको चलना है ना, जब चलेगा वो क्यों फोर्स कर रहे हो, ठीक है. इसके क्या प्रिकॉशन है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. डू नॉट फोर्स बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज. तो प्रिकॉशन है इसके. एंड नेवर स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम. ज़्यादा देर मत खड़े हो. यूज विटामिन डी सप्लीमेंट एंड प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. वॉक बाय बैंडिंग द टोज इनवर्ड. पैर टोज हैं जो वो अंदर की तरफ करके चलो. ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, राइट, अंदर की तरफ करके चलो. प्रॉपर मसाज शुड बी गिवन टू चाइल्ड इफ प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व इन अर्ली एज. अर्ली एज में अगर हम दिख रहे हैं कि बच्चा ऐसा चल रहा है तो हमें उसे प्रॉपर मसाज देनी चाहिए, राइट. स्कोलियोसिस
Scoliosis is postural deformities of spinal curvature in which there is one large lateral curve extending through the whole length of spine. Spine ऐसे हो जाती है, इसकी ऐसी है ना spine. क्यों भाई, सीधी होनी चाहिए, नहीं है, इसलिए deformity है. और there may be two curves, दो curve हो सकते हैं. इसके दो कर्व हैं, एक ये कर्व है, एक ये अंदर की तरफ कर्व है. ये आउटवर्ड कर्व है, ये इनर कर्व है. दिस टाइप ऑफ डिफर्मिटी इज ऑल्सो कॉल्ड अ कर्व. दे कैन आस्क यू विच टाइप ऑफ डिफर्मिटी इज ऑल्सो कॉल्ड कर्व, सो यू हैव टू राइट इट. स्कोलाइसिस कॉजेस क्या होता है? शॉर्ट लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की शॉर्ट लेंथ होती है. वन साइड फ्लैट फुट, एक पैर लाइक एक लेग है वो छोटी है. होता है कई बार ऐसा, कईयों में होता है डिफर्मिटीज. तो वन साइड फ्लैट फुट है, या तो फ्लैट फुट है हमारा, एक तरफ नॉर्मल फुट है एक तरफ फ्लैट फुट हो तो भी हो जाता है. कैरिंग हैवी लोड्स ऑन वन शोल्डर, एक ही शोल्डर पे हम ज़्यादा वेट देके खड़े हैं. टोल्ड यू बैग वाला स्कूल में, आई नोटिस द स्टूडेंट्स लाइक दैट. सो हेरिडिटी डिफेक्ट्स, हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है ये. और वन साइड पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल मसल, किसी को पैरालिसिस है वो ऐसे मतलब डिफॉर्मिटी मतलब ऐसे झुक के चलता है एक साइड से, तो उस वजह से भी आपको ये स्कोलाइसिस हो सकता है. प्रिकॉशंस क्या है इसके? टेक अ बैलेंस राइट, बैलेंस राइट लेनी चाहिए, तो हर में है बैलेंस राइट, तो हर में ये आंगड़ा रहा है. कीप द बॉडी स्ट्रेट वेल कैरिंग वेट्स, बॉडी स्ट्रेट रखो, बेंड मत रखो. अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद वेट विद वन हैंड ऑन वन हैंड, एक हाथ पे वेट मत दो ज़्यादा. डोंट वॉक सिट और स्टैंड इन बेंड पोजिशन, बेंड पोजिशन में ज़्यादा सिट स्टैंड मत करो, खड़े मत हो. इसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? परफॉर्म त्रिकोण आसना विद प्रॉपर टेक्निक. और आसना है ना जो, ये प्रॉपर टेक्निक से करने चाहिए. ये नहीं अपना मन करे जैसे मर्जी कर रहे हैं, इससे गलत भी हो सकता है. अगर आप डिफॉर्मिटी सही कर रहे हो तो कहीं सही बंदा भी डिफॉर्मिटीज में आ सकता है, उसको भी हो सकती है. तो इसे हमेशा प्रॉपर टेक्निक से करना चाहिए. हम तो खुशी खुशी में जो कर रहे हैं मजाक, ऐसा नहीं करना. अवॉइड वॉकिंग विद हैवी लोड्स, हैवी वेट नहीं लेना चाहिए. लाइट डाउन इन द प्रोन पोजिशन, दैट इज ऑन द चेस्ट, चेस्ट पे लेट जाओ मतलब उल्टे लेटो. राइट आर्म शुड बी अपवर्ड, हाथ ऊपर उठाओ. लेफ्ट आर्म एट साइड, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ठीक है. आफ्टर दैट मूव राइट आर्म टुवर्ड, राइट आर्म आगे करो, लेफ्ट ओवर हेड, उठाना है ऊपर, सिर्फ बॉडी उठानी है अपने, ठीक है. और एक हाथ से नीचे दबाओ और एक हाथ से बॉडी ऊपर उठाओ. प्रेस डाउन विद लेफ्ट हैंड देन स्लाइड द लेफ्ट हिप अप, ऊपर उठाना है. दिस वन इज राइट, ऐसे करना है. दिस इज त्रिकोणासना. स्टैंड इरेक्ट, लिफ्ट हील एंड लेफ्ट हिप, स्टैंड राइट आर्म इन आर्क एंड प्लस लेफ्ट हैंड अगेन. स्टैंड इरेक्ट, लिफ्ट लेफ्ट हील एंड लेफ्ट हिप, एक्सटेंड राइट आर्म इन आर्क एंड प्रेस लेफ्ट अगेंस्ट रिब्स, ठीक है. दिस इज ऑल्सो एन आसन लाइक दिस. यू डू दिस, यू कैन डू दिस वन टू, इजियर वन टू इम्प्रूव दिस स्कोलियोसिस. यू कैन होल्ड इन हॉरिजॉन्टल बार फॉर दिस, आपकी वो स्ट्रेट हो जाएगी. दिस प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एक्सपर्ट डॉक्टर, डॉक्टर इसे सही कर सकता है, राइट. सो एवरीवन इसे करेक्ट कर सकता है वो जो डॉक्टर है. तो हम लोगों को यही परफॉर्म करना चाहिए. एक्चुअली मैं आज इतनी फास्ट चली, आई थिंक यू विल बी थिंकिंग अबाउट कि ये फास्ट क्यों करानी है. था मैं इसलिए फास्ट करा रही हूँ क्योंकि दीज आर द कॉमन पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर एंड यू ऑब्जर्व इन डेली लाइफ एंड यू आर फैमिली विद दिस वर्ड्स. सो दैट इज़ व्हाई आई मेड अ स्मॉल वीडियो एंड शॉर्ट वीडियोज फॉर यू सो दैट यू डिडंट गेट बोर. सो थैंक यू सो मच. एंड विद दिस our chapter is completed finally. So chapter 5 is complete, and if you want any topic to be done here, I will explain you. I'm always there for you for any subject you can ask me, okay. Or you have any doubt, you can comment below the comment section. So hope you guys liked my video. If you liked it, please comment below, like and subscribe my channel so that you can get more easy learning videos. Thank you so much guys.